छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां, मीठी मीठी है गलती फहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानियां। सुनो, सामने वाले घर में ना मियां बीवी की लड़ाई हो रही है, तुम जरा जाके देखो। वो एक्चुअली मैं एक दो बार गया था ना, तभी शायद। क्या तो तुम्हारा चक्कर चल रहा है? नहीं 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 नहीं, वो जो सलमान है ना सामने वाला, वो मेरा दोस्त है, उसे मैंने दो चार बातें बताई थी, शायद तभी हो रही है। कैसी बातें? वो ऐसी बात के बीवी को रोब में रखा करो, उसके नीचे मत दबा करो, उसकी सुना मत करो, अगर ज्यादा बोले तो दो तीन दिया करो, दबा के ठीक हो जाएगी। यानी कि तुमने पूरे मोहल्ले में बताया हुआ है कि तुम बहुत बहादुर हो और तुमने अपनी बीवी को अपने पांव के नीचे दबा के रखा हुआ है। तुम कौन सा 12 नंबर का जूता हो जो मेरे कदमों में आओगी, और वैसे भी तुम कदमों में आने वाली नहीं है ना। हाँ, कद तो देखो अपना, तुम्हें देखकर शायद हबीब बैंक प्लाजा बनाने का ख्याल आया था उन लोगों के। अरे उस जमाने में ना मैं थी ना तुम। अरे तुम इतनी लंबी हो ना, अगर तुम केटू पे जाओगे तो केटू एहतराम में झुक जाएगा। तुम बहुत बुरे हो, आज के दिन का लिहाज भी नहीं किया और मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्यों, आज क्या रोजा है? आज मेरी सालगिरह है रमीज, तुम भूल गए ना? अब आज तुम्हारी सालगिरह है, तुम आज फिर पैदा हो गई। मेरा मतलब है कि मैं भूल गया था, मुझे वैसे याद था लेकिन फिर भी मैं भूल गया था, लेकिन हैप्पी बर्थडे। शट अप एंड गेट आउट। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी बात तो सुनो रेजा। मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बहुत बुरे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं रेजा शट अप का गेट आउट गई खुद। वाह मम्मी मम्मी मम्मी, ओए पुत्र की हो गया, की हो गया? मम्मी रिजा नाराज हो गई है। मुझसे? नहीं मुझसे, वो आज उसकी सालगिरह है ना। सालगिरह तो क्या पछता रही है कि मैं इस दिन क्यों पैदा हुई? अरे वो मैं भूल गया था ना। हैं कि वो पैदा हो चुकी है? नहीं नहीं, उसकी सालगिरह भूल गया था और मैं उसको मजाक उड़ा रहा था, वो नाराज हो गई मुझसे। तो मैं क्या करूं पुत्र? आप कोई तरकीब बताएं ना उसे और नाराज करने की, उसे मनाने की। क्यों पुत्र, मैं नैरा नूर हूं, मैंने रूठों को मनाने का कोई ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है? मम्मी मेरा मतलब मैं क्या करूं, आज उसकी बर्थडे है, क्या करूं? तो दे दे कोई तोहफा तोहफा सस्ता सा। हाँ आइडिया, मैं उसे कोई गिफ्ट दे देता हूँ, वो खुश हो जाएगी। हाँ लेकिन दूं क्या? रिंग दे दे। नहीं नहीं, मेरे पास बैलेंस कम है, मैंने उसे अगर रिंग दी तो वो फोन उठा लेगी। हाँ बेवकूफा, रिंग अंगूठी पित्तल की। अंगूठी? अंगूठी तो बहुत छोटी होती है, कुछ बड़ा बताए बड़ा हो। तो टायर दे दे पुत्र। टायर कैसे पहनेगी? और बेवकूफा, तुझे अपनी बॉडी के लिए तोहफा भी मैं बताऊँ, खुद सोच। अब पर्दे, हाँ उसे कपड़े दे दूँ धोने के लिए? नहीं नहीं, तो सीने के लिए? अरे भाई पहनने के लिए। कपड़े नहीं पहने हुए उसने? अरे भाई पहनी नहीं है भाई। तो फिर क्यों दे रहे है कपड़े उसे? मतलब नया जोड़ा उसे गिफ्ट कर दूं। मियां बीवी का? अरे मम्मी कपड़ों का मतलब उसे सूट दे दूं, सूट। हाँ ये ठीक है, सूट दे दे। और गर्ल सूट सस्ता लाना, ज्यादा महंगा ना लाना, वैसे तो पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास। वो क्यों? और कुछ दिन बाद फिर किसी बहाने से मांग लेगी। हाँ हाँ, उसका फरमाइशी प्रोग्राम तो चलता है ना। ओ एक मिनट, हेलो कौन? रक्षी, हाय मेरी बच्ची, कैसी है तू? ओए बरसों हो गए तुझे देखे हुए। हैं? हाँ मैं देख सकती हूँ पुत्र। पुत्र मेरी तो नज़र इतनी तेज है कि मैं कंध के आर पार देख लेती हूँ। अच्छा इसलिए कह रही थी। अच्छा जरूर जरूर पुत्र, कब आ रही है? हैं आज आ रही है। बस आ जा पुत्र आ जा, आंखें तरस गई तुझे देखने को, छेती से आ जा। ओके। क्या मम्मी, कौन आ रहा है? रक्षी आ रही है पुत्र। कौन रक्षी? और पुत्र तेरी खाला फिरदौस की थी जिससे तेरी मंगनी टूट गई थी। क्या वो आ रही है? ओए तू आ रही है जा रही है, जा जाके अपनी बीवी के लिए तोहफा लेके आ। तू रिजा क्या है और इसमें कौन सी नई बात है, तुम तो रोज ही आ जाते हो। अरे मैं कहाँ आता हूँ, रोज तुम आती हो, मैं तो घर में रहता हूँ, तुम जॉब करती हो। कितने फखर की बात है ना। हाँ वो तो है। Shut up. ओफ, छोड़ो ये सारी बातें, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, सालगिरह का गिफ्ट। क्या है ये? ये लॉन है। घास के साथ लाए या बिना घास के? क्यों, तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं नहीं, गधे अक्सर घास के साथ ही होते इसलिए पूछा है। अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए पहनने वाली लॉन लेकर आया हूँ, वो भी चीता प्रिंट। हाँ
हाँ, तुम बहाने बहाने से मुझे खुखार कह लो। ओफ ओफ, छोड़ो ये सारी बातें, तुम जाओ जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, फिर हम लॉन में चलेंगे। एक ही लॉन में? अरे भाई बाहर लॉन में, तुम्हारी सालगिरह जो मनानी, और वो भी मैंने एक तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। एक सरप्राइज तो तुमने खुद ही बता दिया कि तुम लॉन लाए हो, वो भी चीता प्रिंट, अब दूसरा क्या है? ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी बताऊंगा, अब इतना भी बेवकूफ थोड़ी हूँ। यानी तुमने तस्लीम कर लिया कि तुम थोड़े बेवकूफ हो। तुम ये बताओ तुम आ रही हो कि नहीं? मैं कहाँ गई हूँ? अरे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और फिर एक सरप्राइज भी तो है। ओके ठीक है, तुम चलो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके ओके, ये तुम पकड़ो, मैं केक लेकर आता हूँ। ओके जाना नहीं? नहीं नहीं, स्टूपिड है, फनी है, लेकिन है बहुत अच्छा। सरप्राइज। सॉरी, मुझे लगा कि रमीज है। क्यों, तुम्हारा क्या ताल्लुक है रमीज से? ताल्लुक था, रमीज मेरा मंगेतर था। व्हाट? ए लड़की कौन हो तुम और ऐसे कैसे मेरे रमीज के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकती हो? और कब हुई है मम्मी? ओहो बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। अच्छा ये बताओ वो है किधर? तुम्हें इससे मतलब? अरे जाओ जाओ, अपने जाके साहब को बुलाओ। एक्सक्यूज मी, तुम क्या मुझे मासी समझ रही हो? मैं रमीज की बीवी हूँ, समझी? हैं? रमीज ने तुमसे शादी की है? तुमसे? तो क्या तुमसे करता? काश कर ही लेता। अरे तुम हो कौन जो रमीज को सूंघती हुई मेरे घर तक पहुंच गई? तुम्हारा घर? तुमने क्या रमीज को घर दामाद बना के रखा हुआ है? क्योंकि ये घर मेरे पैसों का है और मैं जॉब करती हूँ, रमीज तो एक फुटी कौड़ी नहीं कमाता। क्या? जी। ठीक है, तुम्हारा नाम जो भी है मुझे अंदर नहीं बुलाओगी क्या? मैं रमीज की रिश्तेदार भी हूँ। हाँ आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, किड्डी सोहनी हो गई है मेरी रक्षी। वाकई काश कर ही लेता। मैं इधर बैठी शुक्र कर बैठी हूँ, वरना तो मेरी रक्षी बैठी होती तुम्हारी जगह। वैसे रमीज तुमने अच्छा नहीं किया इससे शादी करके। नहीं नहीं, मंगनी तोड़ के। और पुत्र हमने कहाँ तोड़ी थी मंगनी, तुम्हारे प्यो ने तोड़ी थी। ये काम काज जो नहीं करता था कोई, तो अभी कौन सा कमाता है? कमा कमा के तो मैं थक गई हूँ। नहीं 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 नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं भी कमाता हूँ। हाँ ये थोड़ा कमाते और मैं बहुत ज्यादा। वैसे मेरे पास किस किस के रिश्ते हैं तुम्हारे पास? एक डॉक्टर का आया था मगर वो डॉक्टर मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा नहीं किया, कबूले कबूले कहता ही कहता नेक्स्ट नेक्स्ट। एक बॉडीगार्ड का भी ना रिश्ता आया था, उसकी तो खुद बॉडी बिगड़ी हुई थी। चंगाई कीता पुत्र बॉडीगार्ड से नहीं की, निकाह होते ही पिस्तौल लेके गेट पे बैठ जाता, ना खुद अंदर आता ना किसी को बाहर जाने देता। मम्मी खाने वाने का तो पूछे? अरे नहीं नहीं थैंक यू, खाना नहीं। क्यों, बदहज़मी हुई भी है? नहीं नहीं बस बस, आप लोग तकल्लुफ मत कीजिए। अरे मेरी बीवी बहुत अच्छी कढ़ाई बनाती है, क्यों नहीं बताओ? हाँ क्यों नहीं, जरूर। अच्छा फिर तो मैं जरूर खाऊंगी, मैं भी तो जरा देखूं रिजा खाना कैसे बनाती है। कितने किलो की खाएंगी? डेढ़ किलो की? ढाई किलो मिलेगी। क्यों जी, साथ में कुंडे भी होंगे। ला ला ला, ये कहाँ गई? अब वो कुंडे 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 लेने। और दफा कर से। और सुना रक्षी पुत्र, अम्मी के पित्ते की पीड़ कैसी है? बस खाला जान ठीक है, मम्मी जान। और शुगर उनकी? शुगर भी कंट्रोल है अम्मी की। अच्छा सारा कुछ कैसे कंट्रोल हो गया पुत्र अचानक? रिजा 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 क्या हो गया? चुप करो, ये था तुम्हारा सरप्राइज? नहीं मुझे बाखुदा इसके बारे में कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो रमीज, तुमने जानबूझकर उसको यहाँ पे बुलवाया ताकि मेरी बर्थडे खराब कर सको तुम। अरे तो क्या वो केक पे पैर रख के खड़ी हो जाएगी, कैसे खराब करेगी वो बर्थडे? तुम जानते हो ना कि मुझे इस किस्म की लड़कियों से कितनी चिढ़ है और तुमने उसे मेरे घर में बुला लिया। किस किस्म की लड़कियों से? और मैंने नहीं बुलाया उसे घर पे। इसी तरह की लड़कियां जो लड़कों से फ्री होती हैं। अब आई डोंट माइंड। हां हां तुम क्यों माइंड करोगे, अरे तुम्हारे पास तो माइंड है ही नहीं। अरे तुम शादीशुदा हो कि नहीं? उससे? अरे मुझसे भाई। हां हां निकालामा रखा है, बोलो तो दिखाऊं। बस बस रहने दो, शादीशुदा मर्द ऐसी हरकतें नहीं करते बीवी के सामने। कैसी हरकतें? उसे निकालामा दिखाने वाली? अरे गैर अनजान लड़की से फ्री होने की हरकत। अरे भाई वो गैर कहां है, अनजान गाय, मेरी मंगनी हो चुकी है उससे। हमारी शादी के बाद? नहीं नहीं नहीं, पहले पहले पहले। अरे तो अब क्या वो तुमको मुझसे छीनने के लिए आई है? लो मैं क्या फुटबॉल दिख रहा हूँ, तुमसे छीन के मुझे गोल कर देगी। देखो रमीज मुझसे फजूल बहस मत करो, तुम जाओ यहाँ से। रक्षी के पास? ओके खबरदार यहीं रहो बस। वैसे खाला जी कढ़ाई तो बड़ी मजे की बनाई थी रेजा ने। ओया होए, खाना बड़ा अच्छा पकाती है मनोज मारी, दो ही चीजें चंगी पकाती है, एक खाना ते एक मेरा दिमाग। वैसे एक बात बताएं खाला जी, रमीज खुश तो है ना इसके साथ? पुत्र उसका पता नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तो जरा नहीं पसंद। आपको तो पता है ना खाला जी मेरे बारे में। क्यों पुत्र, तू टच स्क्रीन हो गई? नहीं खाला जी, मुझे ना डाइवोर्स हो गई है। हाय मैं मर गई, कब क्यों पुत्र? खाला जी 2 साल पहले ही डाइवोर्स हो गई थी, बड़ा जुल्म करता था,
मारता पीटता था मुझे। आए तो ऐसे मनहूस मारे से क्या क्यों ब्याह तुमने? बस मत पूछे, गुस्से में कर ली थी मैंने उससे शादी, अब्बा जी ने रमीज से जो तोड़ दी थी। आए तो अब किससे की है? किसी से भी नहीं, मैं तो बस रमीज को ढूंढ रही थी। अच्छा अब समझी। भाई गाल सुन, करेगी ब्याह रमीज से? है खाला जी, उसकी बीवी के होते हुए। और तू उसकी फिक्र ना कर, जैसा मैं कहूंगी ना वो वैसा ही करेगा। तू बता करना है ब्याह उससे? जी बस फिर अग्गे अग्गे देख मैं करती क्या हूँ। छोटी छोटी लाइए ये मुझे दे दीजिए, मुझे ना ससुराल का काम करना अच्छा लगता है। बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियाँ, मीठी मीठी है गलती फहमियाँ। लाइए मुझे दीजिए ये काम, ना बहुओं को जेल देता है। बहुओं को? आप जाके आराम करें, मैं कर लूं। लाइए इनके कपड़े, मैं इस्त्री कर देती हूँ। ए लड़की हाथ हटाओ, तुम इस घर पर अपना हक कुछ ज्यादा नहीं जताने लगी, आखिर चक्कर क्या है? क्योंकि अब ये घर मेरा भी होने वाला घर है। क्या? अब वैसे तुम्हारे अब्बा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, एक जवान बेटी के बाप होते हुए घर में घुसे रहते थे। मेरे अब्बा मेरे घर में रहते थे मेरी हिफाजत के लिए। क्यों? उनका मुंह क्या तोप जैसा था? देखो मेरे अब्बा को ऐसे मत बोलो, समझे? अच्छा वैसे एक बात कहूँ, तुम हो बहुत खूबसूरत, तुम अपने हुस्न का ना सबका दिया करो। वो कैसे? रोजाना मुझे आंख मारा करो। वैसे तुम बहुत छिछोरे हो गए हो। अरे हम छिछोरे थोड़ी, हम तो दिल फेंक हैं, जहाँ हमें अच्छी सूरत दिखती है वहाँ डोर टू डोर दिल फेंकते रहते हैं। इसका मतलब तुम्हारी तो बहुत गर्लफ्रेंड्स भी होंगी। नहीं मेरी बहुत सी गलत फ्रेंड्स। गलत फ्रेंड्स? हाँ वो सारी ऐसी गलती से बन गई थी, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम पर आया था फुल टाइम। अगर मैं फुल टाइम तुम्हारे पास इधर ही रहूँ तो? सची? नहीं भाई ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है फिर मैं यही रहूंगी सिर्फ तुम्हारी बनके। अब मेरी बनके मतलब? ओहो मतलब तुम्हारी बीवी बनके। करोगे ना मुझसे शादी? शादी तुमसे? क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, आई वुड लव टू, पर रिजल्ट तो क्या क्या होगा? अरे उसको तो आंटी देख लेंगी। तुम यहाँ पर रमी से शादी करने के लिए आई हो? ये मेरी सासू माँ की चाह है, मैं अभी खबर लेती हूँ। अब चौथी जंगे अजीम होगी और फतह हमारी होगी। और तुम तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं हो, एवं चूहे जैसा मुंह है और लगता है जैसे पक्खे साफ करने वाला स्टूल। लम्मी देखना शुरू करो तो आसमान तक मुंह चला जाता है। सासू माँ आपने रक्षी को जानबूझकर मेरे बर्थडे वाले दिन बुलाया ताकि मुझे ये शादी का शौक लगे और मैं मर जाऊँ। ऐसी हमारी कहाँ किस्मत। What? ठीक है तो फिर मैं जहर पी लूंगी। पुत्र शरबत में मिला के पीना और मीठा थोड़ा तेज रखना, नहीं तो कौड़ा लगेगा। क्या हो गया मम्मी, क्या हो रहा है? पुत्र खुशखबरी है, तेरी बॉटी खुदकुशी कर रही है। क्या रिजा पागल हो गई है? खुदकुशी करना हराम है, गुनाह है, इससे अच्छा आदमी खुद को गोली मार ले। और औरत वो भी मार ले। वाह वाह रमीश साहब, क्या मुझे आपने बर्थडे का गिफ्ट दिया है? पहले अपनी साहब का मंगेतर को बुला लिया, फिर इससे शादी का मंसूबा बना लिया और अब मुझे मारने का प्लान बना रहे हो? थैंक यू जानू, ऐसे मत जाना, मैं केक लेकर आता हूँ। आये हाय सालगिरह का तोहफा तो मैं भूल ही गई। रक्षी पुत्र जरा बावर्ची खाने से छुरी लाना। छुरी क्यों? मैं रस्सी लेकर आता हूँ, जानू नहीं। रस्सी? इसका मतलब है कि तुम सब मिलकर मुझे मारने का प्लान करो। मैं नहीं मरूंगी इतनी जल्दी। क्यों स्टे ऑर्डर ले लिया क्या? मैं आप लोगों के हाथों नहीं मरूंगी। तो फिर रमीज को शादी की इजाजत दो। अरे मेरे जीते जी ये शादी नहीं कर सकते हर केस नहीं। तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा रक्षी, जा छुरी ले क्या। अरे रुके रुके रमीज तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, केस के साथ रहने या मेरे साथ? दोनों के साथ। रमीज किसी एक को चूज करना होगा तुम्हें, या ये या ये। रक्षी 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 तो फिर इसे दो तलाक। हैं मम्मी? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खुदा ले लूंगी, समझे? रिजा रिजा ओए खबरदार खबरदार, जो उसे रोकने की कोशिश की तो इधर ही रुक रक्षी पुत्र के पास। ओके मम्मी। देखा कैसा राजी कराया। जी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी बड़ी हो गई हो, नाश्ते में क्या खाद खाती हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम तो इतने लंबे चौड़े हो, तुम्हें किसी ने खींच लिया है क्या?
मैं क्या ले लो कोई मुझे खींच दे। तो मैं क्या कोई गंदम की खेत हूँ जो गंदम खाऊंगी? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम खामा खा नाराज हो गई। तुम्हें तो मेरी आदत का पता होगा ना। तुम्हारी तो इतनी गंदी आदतें थी, मुझे तो उनका भी पता था। बस 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 इतना मत बोलो, मेरी पोल मत खोलो, वैसे भी लोग हमें देख रहे हैं। कौन लोग? अरे सामने देखो ना, सामने सब देख रहे हैं हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों बातें ही तो कर रहे हैं। वैसे बचपन में ना तुम ज्यादा अच्छे थे, मोटू मोटू से। तुम भी तो गोल गोल थी, एक लात मारो लड़के उधर चली जाती थी। बस बस रहने दो, तुम इतने मोटे थे, मैं इतनी कमजोर सी थी। मैं मोटा था? था मोटा मैं? बस कर दो, तुम तो खुद इतने मोटे थे, एक थान लंगोट पहनते थे। और तुम ऐसी गोल थी जैसे बेलन से गुना हुआ आटा नहीं होता। तुम थे मोटे मोटे से। तुम थी गोल गोल। इधर क्या हॉकी हो रही है जो तुम गोल गोल चीख रहे हो? एक खूबसूरत सी लड़की तुम्हारे सामने बैठी है, थोड़ी रोमांटिक बातें कर लो। बस फौरन से बुराइयां शुरू कर दी। रोमांटिक बात? अच्छा तुम मुझे वो लगती हो। वो क्या? वो जो वो जो बहुत सफेद होता है। चूना? अरे तुम दीवार थोड़ी हो, तुम वो। अच्छा तुम ना मुझे मुझे वो लगते हो। वो क्या? वो जो रंग बिरंगा होता है। डिस्टम्बर? तो तुम क्या 80 गज का मकान हो जो तुम पे डिस्टम्बर हो? अरे तो फिर क्या लगता हूँ मैं यार? वो बड़ी अच्छी चीज होती है ना, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बदला फौरन ले लिया है। देख लो तुम्हारी ही कजन हूँ और अब तुम्हारी होने वाली बीवी। बीवी? वो दरअसल अभी तक मैंने तय नहीं किया। क्या नहीं तय किया? अपना सूट लाओ मुझे बता दो, मैं तय करके अलमारी में रख दूंगी। नहीं नहीं ये तय नहीं किया कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ के नहीं। लेकिन मैं तो कर रही हूँ ना। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। वैसे रमीज ये बताओ मैं ज्यादा अच्छी हूँ या रिजा? तुम ज्यादा अच्छी हो। बस तो फिर ठीक है, डन हो गया मैं तुम्हारी। अच्छा तुम शादी के बाद कहीं जाना चाहोगी ना, यकीनन है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने ना इतनी सारी जगहों की ना पूरी लिस्ट बना ली है, हम पूरा पाकिस्तान घूमेंगे। अबे पूरा पाकिस्तान तो वजीर आजम ने नहीं घुमा अभी तक। तुम घुमाना मुझे पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का चप्पा चप्पा घूमूंगी। लो अभी पाकिस्तान का नक्शा लेकर आता हूँ, तुम्हें पूरा घुमा दूंगा। वेट 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 रिजाब। अरे कुछ मत बोलो तुम। तो क्या इशारे में बात करूं? नहीं नहीं तुम्हारे इशारे बहुत गंदे होते हैं। रिजा देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा वाह वाह वाह, तो बाहर क्या तुम्हारा हमशक्ल उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था? नहीं, वो रक्षी और मम्मी का प्रेशर था ना, तो तुम्हारी अम्मी तो खुद एक प्रेशर कुकर है और ऊपर से ये जलता तवा भी आ गया। कौन जलता हुआ तवा? रक्षी और आग है मेरी कमबख्ती। जलता तवा कहाँ है, वो तो तुमसे गोरी है। क्या खाक गोरी है? अरे फटफटा गोरी है, ऐसा लगता है कि मछली ने दूध पी लिया और फिर ली तुमने उसकी साइड। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें साइड में कर चुका हूँ ना। रमीज तुम क्या वाकई सीरियस हो? देखो रिजा मैं तो बेकार आदमी हूँ, बेरोजगार हूँ, तुम्हारे किस काम का? हाँ ये तो है, चलो फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ देती हूँ। रक्षी के पास? हाँ मगर उससे पहले तुम्हें मेरा हक मेहर अदा करना होगा, 5 लाख रुपए और 2 तोले सोना भी। उसके बाद जिससे मर्जी चाहे कर लो शादी। हैं? पुत्र उसका तो हक मेहर बहुत ही सारा है, 5 लाख कहाँ से देंगे हम? हाँ ना उसके बाद वो मुझे खुला देगी और फिर मेरी रक्षी से शादी होगी। वैसे उसका प्यो भी बड़ा सियाना था, उसे पता था कि ये निकम्मा कुछ नहीं करेगा, इसीलिए उसने अपनी ती का हक मेहर इतना लम्बा चौड़ा लिखवा दिया। मम्मी अब क्या करें, कैसे खोले हक मेहर? वैसे ये बड़ा ही चंगा मौका है उस बहन से जान छुड़ाने का, लोहा गरम है मोर सू थोड़ा चुप के। इसके लिए कहाँ जाना होगा, स्टील मिल? क्यों स्टील मिल क्यों? आप ही ने तो कहा कि लोहा गरम है मार दो हथौड़ा, और हथौड़ा मारने के लिए मुझे स्टील मिल जाना होगा। ओए बेवकूफा अकल दे अन्ने मुन्ने कहीं के, ये खोपड़ी इस्तेमाल कर ले, अल्लाह मियाँ को टैग लगी वापस नहीं करनी नमी नकोर, इस्तेमाल के लिए दी अल्लाह मियाँ ने। ऐसे तो मेरा सर फट जाएगा, टांगे लगने पड़ेंगे, हथौड़ा ही ठीक है मम्मी। पर तू कुछ ना कर, चल चल के उससे फैनल फैनल बात करते हैं। हाँ ठीक है चल। चल पुत्र तलाक दे। मैं आपको तलाक कैसे दे सकता हूँ? बदतमीज इसको तलाक दे। एक मिनट पहले हक मेहर दो मेरा, तलाक तो बहुत बात की बात है। मां तो दे देंगे हम, कौन सा कंगले। रमीज पुत्र कार फॉर सेल लगा। हाँ सर, लेकिन मम्मी घर तो किराए का है। और इसका किराया मैं देती है। हाँ तो फिर पुत्र ऐसा करो अपनी गाड़ी बेच दो। लेकिन मम्मी गाड़ी किस्तों पे ली थी, अभी किस्तें पूरी नहीं हुई है। और उस गाड़ी की किस्तें भी मैं ही भर रही हूँ। हाँ अगर जाएगी भी तो 3.5 लाख रुपए की जाएगी सर, बाकी पैसे कहाँ से करेंगे? अब अच्छा तो पुत्र फिर एक काम कर, मेरा सारा जेवर बेच दे और जो उसको मुंह दिखाई मिली थी ना वो भी बेच दे। मम्मी जो मुंह दिखाई दी थी उसे इस घर का एडवांस दिया था और साथ में गाड़ी के लिए थोड़े से पैसे दिए थे। और बाकी जो बैंक में जमा है ना उससे इस घर का महीने का किराया जाता है। हाय हाय ये तो बड़ी मुश्किल होगी पुत्र। मैं कुछ कह सकती हूँ? ना ना पुत्र तुझसे लेते हुए अच्छे लगेंगे हम। खाला जान पहले आप कुछ दे तो दे। किसको?
रजा को? जी नहीं, मैंने डैडी को फोन किया था। डैडी ने कहा ये तो अभी तक निकम्मा है। उन्होंने ये भी बोला था अगर शादी करूंगी तो सख्त शर्तों पे करूंगी। कैसी शर्त और कौन सी शर्त? यही कि 10 लाख रुपए हक महर में, एक जाती फ्लैट और एक सोने का भारी सेट मुंह दिखाई में। मम्मी, मैं अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा कहीं पे भी। रक्षी पुत्र, ये जो लिस्ट तुमने गिनवाई हम कहाँ से देंगे? अभी तो इस डैड को भी देना है हमने। ठीक है खाला जान, फिर मैं शादी नहीं कर सकती। वैसे भी मैं तो यहाँ जायजा लेने आई थी कि रमीज कुछ बदला कि नहीं बदला, लेकिन रमीज तो वैसा का वैसा ही है, लेजी का लेजी। रक्षी, बजाय इसे कि तुम इसे पालो, ये तुम दोनों को पाल रही है। भाई मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो जॉब वॉब नहीं करूंगी। खैर मैं तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा खाला जान। बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तू जन मरीद है, जन मरीद ही रहेगा। रक्षी, मम्मी, रिजा। क्या रिजा, अब तुम मेरे पैरों पे बैठकर मुझसे माफी मांगो, सॉरी कहो, कान पकड़ो अपने। कौन हो तुम? मैं चुलबुली चुड़ैल हूँ, तुम पर आशिक हो गई हूँ, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। मेरे पीछे एक चुड़ैल लग गई। चुड़ैल? हाँ, कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हें और मुझे अलहदा करवाने में तुली हुई है, बोलो। अरे तुम्हें नजर आ रही होगी ना, मेरे पीछे देखो, पीछे। अच्छा अच्छा, तो वो पीछे वाले घर में रहती है? वो वाकई चुड़ैल है, जिन्नात भूतनी, वो मुझ पर आशिक हो गई है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। तो इसने कहा है वो मेरे कमरे में। हमारे कमरे में?